I have learned through my failures कि बॉस इतने बड़े प्रोफेशन में अगर एंटर होना है, इतने सारे पैसों की लागत अगर हम लगाने वाले हैं, हमारा टाइम, एफर्ट, हमारी आइडियाज, हमारे साथ साथ हमारी फैमिली, हमारी कम्युनिटी, ये सब लोग अगर उसमें जुड़ने वाले हैं, तो बॉस उसका पढ़ाई करना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है कि वो एज अ प्रोफेशन क्या है. एंड लेट मी टेल यू, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम गोना कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू गाइस कि आपने वो एक स्टेप तो लिया है. यू हैव टेकन द स्टेप राइट. समहाउ जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, उन्होंने ये स्टेप लिया कि चलो बस जाके देखते तो है कि ये है क्या, क्या होता है बिजनेस, क्या होता है उसमें चैलेंजेस, क्या होते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है. और जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, एटलीस्ट यू गाइस हैव कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू आर सिटिंग ओवर हियर, यू हैव डिसाइडेड टू बी ऑन दिस संडे ओवर हियर. सो फर्स्ट स्टेप इज लर्न एंटरप्रेन्योरशिप, लर्न बिजनेस एज यू लर्न योर अदर कोर्सेस, अदर प्रोफेशंस में भी. तो एक सीए को 5 साल लगते हैं, एक डॉक्टर को 5 साल लगते हैं, एक एमबीए को 2 साल लगते हैं, इंजीनियर बनने को अगर अच्छे से हो तो 5 साल, नहीं तो 7-8 साल लग ही जाते हैं, लग ही जाते हैं ना. सो ये ऑन एन एवरेज हर प्रोफेशन के पीछे इतनी डिमांड है. बिजनेस के लिए 5 मिनट में डिसाइड कर लिया. एक दिन मेरे बॉस ने मुझे बहुत बुरा भला कहा. हाँ, बहुत सारे लोग मुझे आके बोलते हैं, मैं उनको फर्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाई यू वांट टू गेट इनटू बिजनेस. सर मेरे बॉस ने ना उस दिन मुझे बहुत बुरा बोला, तो मैंने सोचा है कि अभी अपलस कराया जाता. एक्चुअली यू थिंक दिस इज द राइट नोशन टू स्टार्ट अ बिजनेस? बॉस ने बोल दिया नो बॉस नो. वो भले उसका बोलने का तरीका शायद, इफ दैट बॉस इज नॉट रियली गुड, इफ ही इज नॉट हैव द लीडरशिप क्वालिटीज, तो शायद वो कहीं गलत हुआ होगा. बट आर यू प्रिपेयर्ड इनफ टू टेक दिस लीप? Are you prepared enough mentally? Do you have the resources? आपके पास क्या उतना पैसा है? क्या आपके पास उतने connections है? क्या आपके पास कोई mentor है? क्या आपके पास कोई guide है? क्या आपके पास कोई advisor है? क्योंकि आगे जाके आप में से कुछ लोगों ने business start किया तो आपने experience किया होगा कि sometimes business is like a भूल भुलैया. Sometimes it is like a चक्रव्यूह. आप उसमें खींचते चले जाते हो. वो time पे आपको कोई समझा नहीं सकता है. तो इसलिए this is the right time before you start up.